हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम सीखेंगे कि जो भी हम पार्टी को बना लेते हैं, यानी कि जो भी हमारा लेजर है, चाहे वो सेल का हो, परचेज का हो, एक्सपेंस का हो या बैंक का हो, किसी भी तरह का लेजर हो, अगर हमें उसको मॉडिफाई करना है या हमें उसे डिलीट करना है तो कैसे करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मास्टर के मेनू में आना है। मास्टर के मेनू में आने के बाद आपको लेजर पे क्लिक करना है। लेजर पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा न्यू लेजर और मॉडिफाई लेजर। आपको मॉडिफाई लेजर पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जिस लेजर को मॉडिफाई करना चाहते हैं उसको आप सर्च कर लें यहाँ पर। जैसे मैं दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी, अब मेरे से क्या गलती हुई है कि जो दिल्ली की जो स्पेलिंग है वो इसमें गलत है, मुझे इसको मॉडिफाई करना है, मतलब ठीक करना है मुझे से। तो आप पहले सर्च कर लें, यानी कि वो आ चुका है। अब इस पर आप एंटर करें और लेजर डिटेल पर एंटर कर दें, और फिर उसके बाद आपको टॉप में दिख ही रहा है कि मॉडिफाई करना है या जीएसटी वैलिडेशन वेरिफिकेशन करना है। तो आप जैसे मुझे मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं एक इको काट देता हूँ। उसके बाद आप एंटर एंटर करके, अगर आपको इसका सपोज कि अगर इसकी और भी डिटेल डली होती है, अगर आपको ईमेल आईडी चेंज करना है, जीएसटी नंबर चेंज करना है, आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करनी है, एड्रेस चेंज करना है, आप कुछ भी चेंज करना चाहें, कुछ सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप एंटर एंटर करके और भी डिटेल डाल सकते हैं, या फिर ज़्यादा एंटर ना करना पड़े आप यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू करके इसको सेव कर दें। और जैसे ही सेव करेंगे तो आप यहाँ पे दोबारा से आ जाएंगे। एक बार स्केप करेंगे तो देखिए, अब हम दोबारा सर्च करते हैं दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी। तो ये दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी की जो डबल ई की मिस्टेक्स थी वो हट गई है, यानी कि अब एक ही ई है, हमारा लेजर मॉडिफाई हो चुका है। अगर आपको लेजर को डिलीट करना है तो आप दोबारा से मास्टर पे आने के बाद तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे जो कि है डिलीट लेजर। डिलीट लेजर पे आप जैसे किसी भी लेजर को डिलीट करना चाहें, जैसे कि अग्रवाल ट्रेडर्स है, इस पे आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको डिलीट पे क्लिक करना है। देखिए मैंने डिलीट पे क्लिक किया और इस पे यस करना है अगर आपको डिलीट करना है तो। मुझे अभी डिलीट नहीं करना तो मैंने इसे नो कर दिया। अगर किसी लेजर पे ट्रांजेक्शन्स हो रखी होगी पहले से तो वो लेजर डिलीट नहीं होगा। आपको पहले उसके ट्रांजेक्शन्स को डिलीट करनी होगी, उसके बाद वो डिलीट होगा आपका। जैसा कि अभी आपने देखा भी होगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ। आप इस पे एंटर करेंगे, मैं डिलीट पे एंटर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे बता रहा है कि फर्स्ट क्लियर बैलेंस, अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत ईजी है किसी भी लेजर को मॉडिफाई करना, किसी भी लेजर को डिलीट करना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरह बने रहें, क्योंकि हम सरल तरीके से वीडियोस को लेके आते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।